प्रभारी जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह ने शुक्रवार को NH-29 के कार्यों की समीक्षा विकास भवन के सभागार में की, जिसके संबंध में प्रभारी जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह ने बताया कि NH-29 के कार्यों में गति लाने के लिए चीफ इंजीनियर PWD और वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई है और उन्होंने बताया कि NH-29 के रास्ते में कुछ पेड़ आ रहे थे जिसको हटाने के लिए वन विभाग को निर्देश दे दिया गया है और किसानों के साथ समन्वय बनाकर सभी कार्यों में तेजी लाने के लिए कहा गया है। बैठक में SDM सदर गौरव सिंह सोगरवाल, वन विभाग, PWD के अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रभारी जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा, दो या तीन स्टेक होल्डर है, बुला लीजिए या बात कर लीजिए, दो एप्लीकेशन देने दे दीजिए। और ये बता दीजिए इसमें किस प्रोजेक्ट में डिले करने का कोई मतलब नहीं, ये पूरा होना है। इन चीज़ों से होगा तो फिर आप आंसर नहीं दे पाओगे, ठीक है। जब CM साहब समीक्षा करेंगे सर तो फिर आंसर ही हम दे पाएंगे, इसको प्रायोरिटी में ले लीजिए, आपकी जिम्मेवारी है सारे प्रॉपर का। एक जो हमारे NH-29 बन रहा है और उसमें एक हमने भी रिव्यू किया है कि उसमें सारों का समय में बना के ताकि उसके कार्य को तेज किया जा सके और उसमें वन विभाग के जो इशू थे कि जो पेड़ कटने थे उसकी परमिशन का आया है, डक्ट का आया है, जल निगम की पाइपों का आया, ऐसे मुद्दे आए हैं तो वो हमने आज उसको निस्तारण के लिए एक जगह सबको बैठाया और NH के जो इंजीनियर हैं उन्होंने अपना पक्ष रखा, PWD ने अपना रखा, जल निगम ने अपना रखा, तो उसका निस्तारण कराया गया।